लेकर बीटाउन तक की दुनिया में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिनकी शादी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फैंस चाहते हैं कि कब उनकी फेवरेट एक्ट्रेस शादी के बंधन में बनेंगी। वेल दोस्तों, बताना चाहेंगे आप सभी को कि हाल ही में एक और खूबसूरत अभिनेत्री की शादी को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। शादी के बंधन में बंधी जा रही हैं क्या ये अभिनेत्री? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में, जो खूबसूरती के मामले में सभी को पीछे छोड़ देती हैं। जी हाँ, एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के बारे में। उर्वशी रौतेला की हाल ही में कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों में दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आ रही हैं उर्वशी। उर्वशी की मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें सामने आई हैं। उर्वशी मेहंदी सेरेमनी के लिए तैयार हो चुकी हैं और इन तस्वीरों को देखकर कयास लगाना शुरू हो गया है कि क्या उर्वशी शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। दरअसल ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये बताएंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल उर्वशी ने कुछ फोटोशूट शेयर किए हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर। यहाँ पर उर्वशी दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आ रही हैं। उर्वशी रौतेला की ये तस्वीरें हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। उर्वशी अपनी इन तस्वीरों के जरिए फैंस को दीवाना कर रही हैं। इन तस्वीरों में उर्वशी मल्टी कलर की खूबसूरत प्रिंटेड साड़ी में नजर आ रही हैं और यहाँ पर उर्वशी दुल्हन की तरह सजी हुई हैं। हैवी ज्वेलरी कैरी की हुई है उर्वशी, तो वहीं हाथों में कंगन पहनी हुई है और शर्माती हुए पोज देती हुई नजर आ रही हैं। और उर्वशी का ये अवतार देखने के बाद फैंस उन पर फिदा हो गए हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उर्वशी ने लिखा है, ये सिर्फ मेहंदी नहीं, तेरे प्यार का रंग चढ़ा है पिया, अब ये रंग छूटे ना उम्र भर, यही मांगू मैं दुआ। और इस तरह से उर्वशी ने ये प्यार भरा कैप्शन लिख दिया है। वहीं इसके बाद उर्वशी ने कुछ और तस्वीरों को शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, मेहंदी का रंग चढ़ा ऐसे मेरे हाथों में जैसे तेरा इश्क चढ़ा हो मेरी सांसों में। ये कैप्शन हर किसी को हैरान कर रहे हैं और इन कैप्शंस ने मजबूर कर दिया है कि फैंस यहां पर उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वह शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। इस तरह से उर्वशी ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।